नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर एक सवाल है आप लोगों का। एक अनंत कुलकर्णी साहब हैं, उनका एक सवाल है और मैं वहां पर सवाल लेना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्विंग ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री कैसे करें, स्विंग ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री कैसे करें या स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कैसे करें। हालांकि मैंने इस पर कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन मैं फिर बार एक बार और बेहतर तरीके से कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का कि स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कैसे करें। मैं पहले आपका वो जो क्वेश्चन है वो सवाल दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर वो सवाल है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनंत कुलकर्णी जी का ये सवाल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि सर बढ़िया, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज एक वीडियो करके बताएं हाउ एंट्री इन स्विंग कॉल्स, आई मीन परफेक्ट एंट्री। यानी एक वर्ड ये यूज कर रहे हैं परफेक्ट। देखिए परफेक्ट इस संसार में, अभी तो मैं आंसर करूंगा आनंद जी और बाकी लोगों को भी, सारे लोगों को मैं आंसर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं जिनके दिमाग में हो। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि संसार में परफेक्ट कुछ नहीं होता सर। और मैं ये हर बार बोलता हूँ, बुजुर्ग इंसान को भी बताता हूँ, जो बच्चा है मैं उसको भी बताता हूँ, भाई परफेक्ट जैसा कोई चीज नहीं होता। हमेशा आप उसमें सुधार कर सकते हैं पहली वाली चीजों से। जैसे एप्पल 13 आया तो क्या एक बार लगा वो परफेक्ट है? नहीं। फिर आ गया एप्पल 13 प्लस, फिर एप्पल 14 आ गया, आईफोन 14, फिर आ गया 14 प्रो, फिर आ गया 15, तो इस तरह से 15 प्रो आ गया। तो क्या वो परफेक्ट था? गड़बड़ी था क्या उसमें? फिर वो क्यों आया नया वर्जन? इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट नहीं होता कुछ भी, बल्कि आप उसमें सुधार करते हुए जा सकते हैं, पिछली गलतियों को हटाते हुए नई चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए जा सकते हैं परफेक्ट अगर चाहते हैं तो। लेकिन जीवन में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को, ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये सवाल चलता है परफेक्ट, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपके दिमाग में कभी भी ऐसा है कि मैं परफेक्ट बन जाऊं, बेस्ट बन जाऊं, तो याद रखिए आप अपना समय जाया कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेस्ट नहीं बनना है, बेस्ट नहीं बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है, बल्कि हमें अपनी चीजों पे वो कमांड हासिल कर लेना है, अपनी चीजों को इतना अच्छे तरीके से समझ लेना है कि हमें ये पता चल जाए कि वो चीजें अब आगे इसके क्या हो सकता है ना। इतना सही चाहिए, बेस्ट नहीं करना है सर। बेस्ट बनने के चक्कर में तो नॉर्मल भी नहीं बन पाएंगे, जाएंगे सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, समझ रहे ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए, सवाल है तो आंसर भी आएगा। अब मान लेते हैं कि कोई शेयर है, एक शेयर का भाव, एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी को लग रहा है कि 100 रुपए के ऊपर बाइंग करना है, आप समझिएगा ध्यान से, और उसके स्टॉप लॉस क्या चलेंगे, उसके स्टॉप लॉस चलेंगे लगभग आप समझिए 70 रुपए का, ठीक है। और अच्छा चलिए हटाइए इसको, मैं हटा देता हूँ। ये सैटिन क्रेडिट नेट देख रहे हैं ना, ये स्टॉक मैंने वीकली शेयर वाले में दिया हुआ है। इसी के लेवल पर बात करते हैं कि मैंने इसका जो इसी पर समझाऊंगा एंट्री। लेकिन मैं फिर से अनंत जी प्लीज, और सारे लोग, बेस्ट मत ढूंढिए, परफेक्ट मत ढूंढिए, बस अपनी चीजों पे कमांड कर लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट हो जाएगा ना। लेकिन परफेक्ट मत ढूंढिए, परफेक्ट इस संसार में कुछ नहीं है सर। मैं नहीं हूं, बाकी सर सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो परफेक्ट मत ढूंढिए, हमेशा कहता हूं, नहीं तो जीवन भर ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा। आप 245 से 250 के बीच का एक इसका एंट्री लेवल बनता है। अगर आप मेरा वीकली शेयर वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि इसमें लेवल है 250 से 245, 245 से 250, क्लोजिंग कितना चल रहा है 241। तो मेरा क्या मानना है कि 245 से 250 के पास में एंट्री करना है, और अभी चल रहा है क्लोजिंग 241। अब ये ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन ये 250 के ऊपर नहीं जाए, और हो सकता है ये 245 के ऊपर भी नहीं जाए। पहला कंडीशन ये होगा कि ये हो सकता है 240 हो जाए, या हो सकता है ये 235 हो जाए, समझ रहे ना। यानी ये जो लेवल पर एंट्री करना था, अब हमारी एंट्री बनी नहीं रही है, ये तो नीचे आ गया, 245 आ गया, 240 आ गया। तो वहां पर आपके पास तो एक दिमाग में सेट है कि हमारी एंट्री बनेगी 245 से 250। तो पहला कंडीशन हो गया कि ये ऊपर नहीं गया,
235 से 240 नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से ये नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, छोड़ देंगे, वेट करेंगे ये 245 से 250 के बीच में हम एंट्री करेंगे। एक कंडीशन हो गया कि अगर ये नीचे आता है तो हम अवॉइड कर जाएंगे, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये 245 के ऊपर निकल गया, ये 245 के ऊपर निकल गया झटके में, और ये पांच मिनट में ही निकल गया शुरुआत के 5 मिनट में ही निकल गया, 245 से 250 के बीच में पहुंच गया, क्लियर है। तो अब 5 मिनट, आपको पहला 5 मिनट में ये चला जाता है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें इस 5 मिनट के ट्रेड को हमेशा अवॉइड करने के लिए मैं बोलता हूँ कि शुरुआत का जो पहली 5 मिनट कैंडल होती है ना, हमेशा उसमें अवॉइड करना है। मैं सारे कंडीशन की बात करूंगा, आप समझिएगा ध्यान से। तो हमें 5 मिनट अवॉइड कर गया, अब ये क्या हुआ कि 245 से नीचे आ गया, वापस 240 पे हाई लगाया 245, और वापस या 246 का हाई लगा गया, मान लीजिए 246 का हाई लगाया 247, और उसी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, यानी कि 5 मिनट के अंदर में ये 242 हो गया, ये 240 आ गया, वापस नीचे आ गया, तो हमें छोड़ देना है, हमें वेट करना है, हमें एंट्री नहीं करना, समझते जाएंगे, हमें एंट्री नहीं करना है, क्लियर हो गया। तो लेकिन नजर तो है हमारी, एंट्री भले नहीं करे लेकिन नजर तो है। अब ये दोबारा नीचे आने के बाद हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए इसे, और ये फिर से ये 245 को ब्रेक करता है, फिर से 245 को ब्रेक करता है, तीसरा कंडीशन हम बता रहा हूं, फिर से ये 245 को दिन के किसी भी टाइम में ब्रेक कर जाता है, देन आपकी एंट्री, और इसके ऊपर सस्टेन भी करता है क्लोजिंग, और इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग भी करता है, तो आपको इसके ऊपर एंट्री करना है, आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। देन जैसे ही एंट्री बनती है, अब इस पे एक रूल अप्लाई हो जाता है, जैसे ही एंट्री बनती है एक रूल अप्लाई हो जाता है, और वो रूल अप्लाई होता है एसएल, और एक रूल होता है डे क्लोजिंग, है ना, एसएल और डे क्लोजिंग, ये दो रूल अप्लाई होता है, यानी आपकी जो एंट्री बन गई तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी के साथ एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट क्लोजिंग बेसिस पर होगा। तो इसका एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 245 से 250 के पास दिया, तो स्टॉप लॉस है 220, लेकिन ये 220 जो है क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस मतलब 3:15 से 3:20, यानी कि मार्केट बंद होने के टाइम, आप 3:29 भी समझ सकते हैं, वहां तक आप पोजीशन काट सकते हैं। अगर इस समय तक अगर आपका प्राइस इस स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, फिर रुकने का कोई फायदा नहीं है, हम निकल गए, क्लियर बात है। अगर आपका प्राइस स्टॉप लॉस के नीचे ही दिख रहा है 3:25 से 3:29 के आसपास, यानी मार्केट बंद होने का टाइम, देन आपको यहां से एग्जिट कर जाना है, फिर रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्लियर हो गया, ओके। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर नहीं आए, दिन के किसी भी टाइम में ये 3:05 पर आ गया है, मान लेते हैं 220 पर आ गया, या 219 पर आ गया, या 218 पर आ गया। अब चूंकि आपके दिमाग में तो कि हमारा स्टॉप लॉस 218 का है, दिमाग में तो ये है कि 220 का स्टॉप लॉस है आपका, तो लेकिन नीचे आने के बाद सडनली एक स्पाइक आता है और ये ऊपर, यानी कि 220 के ऊपर सस्टेन करना लग जाता है, ट्रिगर हो चुका है आपका स्टॉक, ट्रिगर हो चुका है, लेकिन एसएल के ऊपर जाके 235 पर या 230 पर क्या करता है, क्लोज कर देता है, कितना, 3:29 के आसपास, देन आपका ट्रेड एक्टिव है, फिर आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपका ट्रेड एक्टिव है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा, क्लियर हो गया। चलिए तीसरा कंडीशन समझा दिया, चौथा कंडीशन ये हो सकता है, फिर से समझिए, चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि आपका स्टॉक एंट्री के बाद 245 से 250 पर एंट्री ले, एंट्री के बाद ये नीचे आके 230 पर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, ये वाला जो भी मैंने बताया। तो मैंने क्या बोला कि डिलीवरी हमें तभी लेके जाना होता है जब आपका प्राइस आपके एंट्री प्राइस के ऊपर सस्टेन करता हुआ रहे, हम नहीं तो इंट्राडे में काट पीट करके खत्म कर देंगे। अगर आप सेफ ट्रेडर है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम इंट्राडे में पोजीशन काट पीट के खत्म कर देंगे, समझेंगे ये आज इंट्राडे ट्रेड था, लेके बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन आपका प्राइस अगर इस प्राइस के ऊपर ही सस्टेन करता रह जाता है 3:25 से 29 मिनट, देन आप इसको
होल्ड भी करके जा सकते हैं, यानी कि सीएनसी कैश एंड कैरी, दैट इज ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर आपकी परफेक्ट एंट्री बन जाती है। क्लियर हो गया। इन केस अब फिर से कंडीशन होता है, इन केस ऐसा भी होता है कि स्टॉक्स निकला 245 से 250 या 275 चला गया, देन हाई लगा गया 275, एंट्री अचानक से किया 245 से 250 और 275 तक का हाई लगा गया, देन आपका पहला टारगेट आपके दिमाग में है कि मान लेते हैं 270 का टारगेट और ये 275 चला जाता है या 265 चला जाता है, तो आप टारगेट तो पहला 270 का, मैं एक सेटिंग क्रेडिट नेट का एग्जांपल दे रहा हूं पर एंट्री के लिए कि कैसे परफेक्ट एंट्री करें, इसको मैंने वीकली शेयर में भी दिया है। अगर ये 265 भी चला जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 270 तो हमारा पहला टारगेट है, देन आपको सेम डे ही कम से कम 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए, कम से कम 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए, हमेशा याद रखिए, और बाकी क्वांटिटी को आप कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड करके चल सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर उसको ट्रेलिंग एसएल करके यूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये कैसे बोलते हैं आप कि 245 से 250 पर एंट्री बने और ये 230 पर नीचे आके क्लोजिंग करे, देन आपका स्टॉप लॉस तो नहीं कटा है क्योंकि स्टॉप लॉस तो 220 का है, तो ट्रेड तो वैलिड है, आपका ट्रेड अभी भी वैलिड है, इसलिए ये रिस्की ट्रेडर होंगे जो प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, और इसलिए मैंने कहा जो सेफ ट्रेडर है ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो एग्जिट कर जाए, नेक्स्ट डे फिर जब ये 245 से 250 के ऊपर जाएगा देन आपकी फिर एंट्री बन जाएगी सेम प्रोसेस से। क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, देखिए मैं हर कंडीशन समझा रहा हूं कि 5 मिनट में ही, शुरू के 5 मिनट में ही ये 245 से 250 के ऊपर निकलता है और ये सीधा सीधी चला गया 310 5 मिनट में, या 270 पहला टारगेट पर ही 5 मिनट में, और देन वो नीचे आ जाता है, हमें एंट्री नहीं करना है, देन हमें फिर भी एंट्री नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि 245 से 250 तो हमारा एंट्री प्राइस है अब ये, और टारगेट हमारा 270-275 का पहला है और ये पहला टारगेट से ही नीचे आ रहा है, तो अब हम इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इसने अपना काम लगभग फिनिश कर दिया। देन फिर एंट्री कहाँ बनेगी, जब ये पहला टारगेट के ऊपर जब निकलेगा तब आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, तब आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर, और जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हमारा पहला वाला एंट्री लेवल था वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक्स के लेवल पर परफेक्ट एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैंने लगभग हर कंडीशन को यहाँ पे आपको समझाया कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप डिलीवरी लेके जा सकते हैं, कब एंट्री बननी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी रह गया हो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि कभी भी बेस्ट और परफेक्ट ढूंढने की कोशिश जैसे करेंगे तो वो बड़े बड़े फेक स्क्रीनशॉट वाले यूट्यूबर आपको फंसाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट और बेस्ट हर चीज में एक लाइन वो लोग लिखते हैं, यूज करते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट जैकपॉट स्ट्रेटेजी, बेस्ट कॉल्स, प्रीमियम कॉल्स, इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं ताकि आप फंस जाए, और आपने देखा भी होगा अभी बहुत सारे चल रहा है मामला, खैर उसकी बात में मैं नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी बेस्ट और प्रीमियम जैकपॉट ढूंढने की कोशिश ना करें, परफेक्ट ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि परफेक्ट बनने की कोशिश करें, मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है। तो स्विंग ट्रेडिंग में कैसे एंट्री करें, उम्मीद है सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, फिर भी कुछ रह गया हो माय बाप तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं फिर से उसको कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।